एमएलएम का मतलब है रहनुमा लीडर। एमएलएम के लिए लकी नंबर 3 माना जाता है। एमएलएम के लिए खुद किस्मत दिन बुध और जुमा है। मौजूदा डाटा के हिसाब से एमएलएम 2006 में ज़्यादा रखा गया। एमएलएम की लड़कियाँ सबसे ज़्यादा आपको पाकिस्तान में मिलेंगी। एमएलएम की लड़कियाँ रोमांटिक लड़कियाँ ये प्यार बहुत खूब करती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट इंतज़ाम खान। दोस्तों, एक बामनी और खूबसूरत नाम इंसान की शख्स को खूबसूरत बना देता है। दोस्तों, एमएनएम का क्या मतलब है? एमएनएम के लड़कों की फितरत कैसी होती है? एमएनएम किन टॉप 5 कंट्रीज में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? एमएनएम किस साल सबसे ज़्यादा रखा गया? एमएनएम के लकी नंबर क्या है? खुशकिस्मत दिन के मौफिक पत्थर के मौफिक धात का, और उसके अलावा बहुत कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी दें। दोस्तों, एमएनएम एक इस्लामी नाम है जो कि लड़कों के नामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एमएनएम की इब्तदाई तारीख अरबी जबान से मिलती है। एमओ को उर्दू में हम कैसे लिखेंगे? दोस्तों, एमओ को उर्दू में हम अलिफ मदा हे मीम हे से लिखेंगे, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जबकि इंग्लिश में एम ए आई एम ए से लिखेंगे। इसके अलावा डबल ए आई एम ए एस से भी एमओ को हम लिख सकते हैं। दोस्तों, नाम शख्स का एक जरिया होता है, बामानी नाम उस फर्द की तवज्जो को बढ़ा देता है। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कि उस फर्द की ज़िंदगी में खुशियाँ लाते हैं। वैसे तो एमओ नाम की लड़कियाँ पूरी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन हम आपको टॉप 5 ऐसे कंट्रीज बताएंगे जिनमें एम नाम ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा पसंद किया जाता है, ज़्यादा रखा जाता है। दोस्तों, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि वैसा कौन सा साल गुजरा है जो एम नाम को लेकर वायरल रहा। दोस्तों, 2004 से अगर 2022 की हम बात करें, इन 18 सालों में जो साल एम नाम को लेकर वायरल रहा वो साल था 2006। इस साल काफ़ी देश देखी कि काफ़ी वाले दैन अपने बच्चों का नाम एम रखा। अब बात करें वो टॉप 5 कौन से हैं जिनमें एम नाम ज़्यादा इस्तेमाल में है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा एम नाम की लड़की आपको पाकिस्तान में मिलेंगी। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सिपोर्स, जहाँ पर 29% एमएनएम को ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है मालदीव का, जहाँ पर 24% एमएनएम को ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। फिर इसके बाद चौथा नंबर आता है ग्रीसी, जहाँ पर 19% एमएनएम को ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। फिर इसके बाद पाँचवा नंबर आता है इंडिया का, जहाँ पर 11% एमएनएम को ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है, ज़्यादा पसंद की ज़्यादा तरजीह दी जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको एमएनएम के ऐसे फैक्ट बताऊँगा जो कि उसको दूसरों से मुनफरिद बना देते हैं। दोस्तों, एमएनएम एक इस्लामी नाम है जो कि लड़कियों के नाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एम नाम की इब्तदाई तारीख अरबी जबान से मिलती है। एमा नाम का मतलब है रहनुमा लीडर। एम नाम के लिए लकी नंबर 3 माना जाता है। एम नाम के लिए खुद किस्मत दिन बुध और जुमा है। एम नाम के लिए मौफिक पत्थर नीलम है। एम नाम के लिए मौफिक जो धात है वो है जी कांसी। बात करते हैं एम नाम की जो लड़की उनके लिए मौफिक रंग कौन सा। दोस्तों, एम नाम की जो लड़की है उनके लिए मौफिक रंग माना जाता है वो है जी पीला, सब्ज और हल्का गुलाब। इसके अलावा खुबानी वाला जो रंग है, खुबानी के ऊपर जो तह होती है, मतलब कि हम उसको डार्क भी कह सकते हैं, मिनी पिंक भी कह सकते हैं, ये भी इनके लिए मौफिक रंग माना जाता है। अब बात कर लेते हैं कि भी एमएनएम की जो लड़की तो वो किस नेचर की मालिक है। दोस्तों, एमएनएम की जो लड़कियाँ होती हैं ये रोमांटिक लड़कियाँ होती हैं। अगर आपकी गर्लफ्रेंड एम है या आपकी बीवी एम है तो आपको बखूबी पता होगा कि ये लड़कियाँ कितना प्यार करती हैं, खूब रोमांस करती हैं। और अगर कोई शख्स आप में से जो वीडियो देख रहा है वो रोमांटिक है और आपके आसपास एमा नाम की लड़की है तो आप उस दोस्ती कर लें, क्योंकि एमा नाम की लड़की भी रोमांटिक होती है और आप भी रोमांटिक है तो फिर आपकी खूब जमेगी। इसके अलावा ये जो लड़कियाँ होती है दिल की बहुत ही अच्छी होती है और खूबसूरत भी ये लड़कियाँ कमाल की होती हैं। ये लड़कियाँ करिश्माती तर्ज अमर और फितरत के लिहाज से तख्लीकी होता है। ये लड़की अपने दोस्तों की तरह नहीं रहना चाहते, ये चाहती हैं कि कुछ माशरे में अलग सा काम किया जाए, माशरे में हमारी एक पहचान सी हो, माशरे में हमें एक अदब का नाम दिया जाए। यानी कि ये अपने आप को मनवाना चाहती हैं, कुछ ऐसा करना चाहती हैं जिसके वजह से उनका नाम रोशन हो जाए। ये लड़कियाँ खूबसूरत भी होती हैं और टैलेंटेड भी लड़कियाँ होती हैं। ये लड़की मल्टीटास्किंग और इंतज़ाम में बहुत ही अच्छा साबित होती हैं। ये लड़कियाँ हमेशा नौजवान नज़र आना चाहती हैं, उसके लिए ये लड़कियाँ मेकअप भी खूब करती हैं, बन संवर कर रहना इनको बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों, ये था एमएनएम का मुकम्मल डाटा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके नाम पर वीडियो बनाएं तो आप अपना नाम हमें कमेंट करें, हम आपके नाम पर भी वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो आप किसी भी एमएनएम के दोस्त को, कज़न को, फियोंसी को, गर्लफ्रेंड को भेज सकते हैं, यकीनन उसको वीडियो पसंद आएगी। अब आप शेयर मुलाजा फरमाइए। मैं किस तरह गुजारूँगा उम्र भर का फराग, मैं किस तरह गुजारूँगा उम्र भर का फराग, वो मुझसे दो घड़ी जुदा हो जाए तो जान चली जाती है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।